एमबी के पास तो स्नो क्लियरेंस मशीनें थी, लेकिन श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लेंस और बाई लेंस में काफी नागरिक थी। अब हमारे पास पर्याप्त स्नो क्लियरेंस मशीनें आ गई हैं, आधुनिक आई ताकि फलक हो। मैं समझता हूँ कि यहाँ की परंपरा को जीवित रखते हुए झेलम रिवर फ्रंट यहाँ की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। ये एक सराहनीय काम प्रारंभ किया है श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने, और अनेक इस तरह के काम, ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी काम शुरू किया है, पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाएगा। इनका जो कमांड सेंटर है वो भी आने वाले महीने दो महीने में पूरा होने जा रहा है। तो पूरे श्रीनगर में कामूल चूल बदलाव आने वाला है और उस दिशा में ठीक काम हो रहा है। सर, पॉलिटिकल प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन उसके हवाले से जो डेलिमिटेशन की बात हो रही है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सब उसको रिजेक्ट कर रही है। मैं पॉलिटिकल प्रोसेस की बात ही मैंने नहीं की, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की आर्थिक समृद्धि और एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ श्रीनगर के लोग या देश दुनिया से आने वाले लोग यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से गर्व कर सकेंगे और हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने बात की, इन्वेस्टमेंट काफी सारी बाहर से आ रही है, तो इससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है यहाँ पे। और दूसरा है, यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कुछ पॉलिटिकल पार्टी लोगों को इस मुद्दे पे बहका रही हैं कि जो जॉब्स थी यहाँ पे वो वापस ली जा रही है, उसका भी आपने जिक्र किया था, थोड़ा उसके हवाले से। दो मुद्दे हैं, दोनों पर मैं बात करता हूँ, कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। एक, अभी 1400 के आसपास पद जो SSB और पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर्ड थे वो वापस लिया। सर, सर, मैंने श्रीनगर में ही जरा कई बार पांच सवाल का उत्तर देंगे तुम लोग भी ऐसा नहीं। सर सॉरी सर, तो मुझे लगता है कि एक बात ध्यान रखने की है, जैसा मैंने कहा कि कई पद थे जो 2004 में रेफर किए गए, अब 17 साल और 18 साल में नियुक्ति न हो, उस समय के रिक्रूटमेंट रूल्स डिफरेंट थे, अब चीज़ें बदल गई, अब आरक्षण की व्यवस्था है, लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख के पद उनको देने हैं। हमने आते ही एक फैसला किया था कि क्लास 4 और क्लास 3 में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल ट्रांसपेरेंट ढंग से परीक्षा होगी ताकि बेईमानी की गुंजाइश खत्म हो जाए। PRC की जगह डोमेसाइल ने ले लिया, तो इन सारे कारणों से उन पदों को वापस लिया गया और अतिशीघ्र उसका भी विज्ञापन हम करेंगे। जो क्लास 4 के विज्ञापन हमने निकाले थे, मोटे तौर पर उसमें काफी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। सर, उसमें जो हमारे 20,000 से ज्यादा पद और भी हमने भेजे हैं और वर्ष भर में वो भी नियुक्तियां हम कर लेंगे। सर, हमारे बच्चों के साथ मसला जुड़ा हुआ है, एजुकेशन के इस साल स्कूल खुलेंगे। अभी आधी बात हुई नहीं तब तक आप ये, जहाँ तक इंडस्ट्री की बात आपने की, मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक 2020 या 2021 तक मोटे तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में 14,000 से 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। आज जो मैं कह सकता हूँ कि 70,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की ज़मीन हमारी तैयार हो गई और फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में 20,000 से 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। दुबई का जिक्र किया मैंने, वहाँ के जितने बड़े ग्रुप हैं, चाहे MR हो, चाहे DP World हो, Noon.com हो, ऐसे अनेक लोगों की रुचि है, देश के और बाहर के भी कई कॉरपोरेट हॉस्पिटल श्रीनगर और जम्मू में अब हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर की बेहतरी का समय होगा। जहाँ तक स्कूल का आपने कहा जी, तो आप सबको मालूम है कि थर्ड वेव आ गई थी और अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है, और मैं अपने चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मिलजुल करके इसका मुकाबला किया। उसमें वैक्सीनेशन भी एक बड़ा कारण रहा है, वैक्सीनेशन पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में आ जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 10-15 दिनों में बेहतर स्थिति होगी तो ज़रूर विचार करेंगे।